अभिवादे हम अस्मि नारायण दत्त मिश्रा अत्र भवतां स्वागतम एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे সাম্প্রथम प्रमुखाह वार्ताः लोकसभा निर्वाचनार्थं भाजपा यतेतस्य दलस्य नेत्रीणाम अनारतम प्रचारक्रमः जायमानः जेपी नड्डाः चित्रकूट फतेहपुरयोः अथवा अमित शाहः तेलंगाना राज्यस्य भोंगी रक्षेत्रे दलीय सामर्थ्यपरम आह्वानं कुर्याताम् निर्वाचन विपक्षी स्व संपूर्ण विपक्षीदलाअपूर्णशक्तिया संलग्ना राहुल गांधी राज्यस्य मेडक मलकाजगिरी क्षेत्रों संबोधए जनसभाद्वयम मायावती कन्नौज क्षेत्रे निर्वाचनपरम प्रचार कुरियाखिलेशाद लखीमपुर खीरी स्थले दलीय प्रचारे सैर रता। राष्ट्रपति भवने पद्म पुरस्कार समारोह से आयोजन अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य प्रद्या पद्म पुरस्कार भारत यात्रा रहा मालदीव विदेश मंत्री मूसा जमीर इतो भारतीय स्वसमकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर सम्मिलेत द्विपक्ष गु क्षेत्रीय प्रकरण भवे द्वाभ्या मिथ चर्चा कुलगाम क्षेत्रे सोमवासरी रात्रे हे एवं जायमाने संघर्षे सुरक्षा बली यहि अन्यह अपि एकहा आतंकवादी मारी तहा अनेक क्षेत्रे शु अनवीक छना भी आनानी जायमाना नहि सांप्रतम यावत आतंकित्रयमस्ति व्यापादीतम सुरक्षा बली यहि वीर भटई ह हज़ायत्रा इत्यतदर्थम यात्रनाम प्रथमहसमुहा प्रस्थितांत विस्तृतीकृता वार्ता निर्वाचनार्थम लोकसभा सबद्धम वस्तु भाजपा एत नेतृण्म अनारत प्रचारक्रम जाय अस्त भाजपा दलाध्यक्ष जे पी नड्डा तबत चित्रकूट फतेहपुर प्रचार यात्रा कुरिया अथ केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता अमित शाह तेलंगानाज्य भोजीर क्षेत्रे दलीय सामर्थ्यपरम आह्वान कुरिया लोकसभा निर्वाचनाय सर्वलाना प्रचाराभियानम तीव्रीभूत कांग्रेस दलीय शीर्ष नेता राहुल गांधी अद राज्य जनसभा कुरस्या प्रथमा जनसभा तब मेडक अपरा जनसभा मलकाज गिरी उपकल्पिता अस्ति बसपात दल से प्रमुखा मायावती अद कन्नौज इतने नैर्वाचनिकीं प्रचार यात्रा बसपा बसपल इमरान बिन जाफर इत्यसो प्रत्याशी घोषित अस्त त्रव दलपरतया अखिलेश यादव अथ चाजपा दल पक्षत सुव्रत पाठक प्रत्याशिस्ता समाजवादी पार्टी दल से राष्ट्रीय अश अखिलेश यादव अद लखीमपुर खीरी प्रचार कुरिया असौ तपात दल प्रत्याशि उत्कर्ष वर्म पक्षे जनसभा संबोधय <coughs> राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद राष्ट्रपति द्वितीय नागरिकलण सरोहे पद्मस्कारा प्रद् पद्म पुरस्का, पुरस्कार देश से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रूपेण वस्तुतः उच्चतर पुरस्कार रूपेण पद्म पुरस्कार सी तद्म विभूषण भूषण पद्मश्री एते पुरस्कार कला सामाजिक कार्य विज्ञान व्यापारोद्योग चिकित्सा साहित्य शिक्षा खेल लोकसेवा विभिन्न क्षेत्र प्रदीये पुरस्कार घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवसवसरे विगत मसे एप्रिलिमास से द्वांशति दिनाक राष्ट्रपतिवरिया पद्म विभूषण पुरस्कार अष्ट पद्मूषण पुरस्कारा अथ चाशा पद्मी पुरस्कार प्रदत्वती आसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलंगानाज्य से करीम नगरे जनसभा संबोधित असौ तत्रवत ये कांग्रेस बी आर एसते दलें परिवारगत विविध भ्रष्टाचार से चा योगन जनाकांक्षा प्रति इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना राज्यस्य यात्रायाम् अस्ति तत्र करीमनगरस्य एकस्मिन् मन्दिरे तावत् तेन पूजनम् अपि अनुष्ठितम् प्रधानमंत्री करीमनगरे श्री राजराजेश्वर मन्दिरे सविधानं पूजनं वेहितवान् मन्दिरस्य बहिः उपस्थितानां जनानां अभिवादनं प्रति तावत् प्रधानमंत्रीणा स्वसमर्पिता स्वीकृतहि एष् दिवसेश्वक् कारण विवाद क्रोड़े आगमनशील कांग्रेस दलिय नेता सैम पित्रोदा पित्रोदन अतीवल लज्जाजनक विवादास्पद च वक्त प्रकाशित्रम तेन रूपरंग भेदादी विषयणी टिप्पणी देश विभिन्न भागेश् निवसता जानना विषय तेन एवं निरर्गल वक्त प्रकाशित पित्रोदेश्वरवर्ती भाग्य जना चीन देश जनाव तुलनाज

राम सेोदयसौ विवादास्पद वक्त सुखक्षतवाधतापण्य अनम सैम पित्रोयसौ राम सेमनवम्या अथ राम सततराम प्रति गमन कितु चारत वैविध्यमय संसाराथकूस्वी आह्वान भूतमस्ती निरर्गलतया प्रतिपादितवान् सैम पित्रोदा रूपधत टिप्पणी आश्रि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर न्यूपयत येतुखद वक्त किं भविमर्दि दलं दे संपत्ति हरणम विहितवत तत्पक्षत सांप्रत रूपर्णाधारेण देशन विभाजनम काम्यतेपी एव देश से जान इदानम विभेदपरम तत्व न स्वीकु अवधेस्पदता भजते कभी संपत्ति को आपकी संतान से लेने की बात और विचार ऐसे देने का काम करते हैं तो दूसरी ओर अब हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी उनको चीन के साथ में कहते हैं उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है कितना बांटोगे जाति के नाम पे क्षेत्र के नाम पे देश को और ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा देश सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र के साथ आगे चलता है लेकिन कांग्रेस का घिनौना चेहरा पशुधन धन स्त्री धन छीनने वाला आपकी संपत्ति छीनने वाला और अब आपको जाति के नाम पर नीच नीचा दिखाने वाला सामने आया है देशे लोकसभा निर्वाचन क्रम सतत वर्धम अस्त सर्वाण दलानी परस्परम वक्तव्याताक्रमणे लीना हैीक्षेन् तब काेस दलीय नेम पित्रोदा विवादास्पद वक्त्यलक्ष्य भाजपा एक दलं वाचा प्रबल आक्रंतवत् दलीय प्रवक्ता सुधांसु त्रिवेदी यथा यथा लोकसभा निर्वाचन प्रगछति तथा तथा कांग्रेस दल से वास्तविक मुखस्वूपक्ष आया कांग्रेस नेता सेोदाय विहित सेप वर्णाधृतणी जात पृष्ठ कांग्रेस दलीय विचार कथमस्ती प्रति काेस दलीय वरिष्ठ नेता जयराम रमेश तेन स्पष्टीकृत यद तदीय सांप्रतिक वक्तव्यत दुर्भाग्यपूर्णमस्तच एक पृष्ठ कांग्रेस दल्यं भजते इति केंद्रीय गृहमंत्री अथ भाजपा दल से वरिष्ठ नेता अमित शाह लखीमपुर खिरी जनसभा सबोधयत त्र भाषण असौ कांग्रेस सपा बसपा बसपेता दलानी भृशं तर्जित गृहमंत्री राहुल गांधी आलक्ष्य कांग्रेस दल द्वारा कृतान असमीचीन निर्णयान तबत समिता लोकतंत्र महापर्व नमस्ते एतावता लोकसभा निर्वाचनस्य त्रिषु चरणेषु मतदान संपन्न अथ चत्वारि चरणानि अवशिष्टानि सन्ति जनाः विकसित भारताय भव्य भारत निर्माणाय च मतदान कुर्वन्तः सन्ति एतस्मिन् प्रसंगे देशस्य विविध भागेषु संस्कृत भाषिणः मतदातारः अपि मतदान विहितवन्तः अवलोकयामः तेषां किमस्ति कथ्यं पथ्यं च भारतस्य वैविध्यं तु भारतस्य लोकतन्त्रमेव तस्य आधारः निर्वाचनमेव निर्वाचनप्रक्रियायां मतदानं कृत्वा अहम् अतीवसन्तुष्टा अस्मि आगच्छन्तु मतदानं कुर्मः भारतं विकसितं कुर्मः संस्कृतस्य रक्षणार्थं देशस्य रक्षणार्थं राष्ट्रस्य रक्षणार्थम् अहं मतदानं कृतवती भवन्तः अपि सर्वे अपि मतदानं कुर्वन्तु इति अहं प्रार्थये अहं मतदानं कृत्वा अत्यन्तं प्रसन्नताम् अनुभवामि मतदानं मम अधिकारः मतदानं मम कर्तव्यश्च अहं तो मतदानं कृत्वा राष्ट्रीये कर्तव्यस्य पालनं कृत्वा मतदानं केवलं अस्माकं कर्तव्यमेव न अपेतो धर्मः अपि अस्ति भारतीय स्वाभिमानस्य प्रतीकभूतं एतत् मतदानं अहं तो मम देशस्य हितकार्यं मम देशस्य रक्षणायाः